कराची साइट एरिया बवानी चाली के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार और राहगीरों को रौंद डाला। हादसे में दो अफराद जान भाग जबकि 11 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस की ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। बताइएगा साजिद। बिल्कुल, देखें इस वक्त हम साइट एरिया बावानी चाली पर मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर पहले ही एक बस को जो है वो हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जो है वो जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर यहां से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब ये हमारे रेस्क्यू जरा में ये बताते हैं कि ट्रैफिक हादसे में जो है दो अफराद जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ गए, जबकि जख्मियों में 5 से 6 अफराद जो जख्मी, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बस थी, जिसका ये ब्रेक फेल होने के बाद ये हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में जो है वो मुसाफिर जो बस थी वो कई जो राहगीर थे जो कि सुबह सवेरे अपने कामों पर जा रहे थे उन पर ये चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में दो अफराद के जान भाग होने की तस्दीक हो गई है, जबकि खवातीन समेत मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। हादसे के फौरी बाद जहाँ इलाका मकीन बड़ी तादाद में जमा होकर इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर जो हादसे में जख्मी और जान भाग होने वाले अफराद हैं उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया है, जबकि जो बस हादसे के शिकार हुई है उसको भी इलाका मकीन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने ही जो है वो धक्का देकर सड़क किनारे किया है। पुलिस हुकाम ने ये बताया कि जो बस का ड्राइवर था वो फौरी तौर पर यहाँ से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया साजिद राव।